श्री शिवाय मस्तुभ्यम भक्तों, आज हम आपके लिए माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यह सोमवार के दिन करना है। गुरु जी ने इस उपाय को बताते हुए कहा था कि जो भी इंसान की कामना पूरी ना हो पा रही हो, किसी की दुर्लभ कामना हो, विशेष कामना हो, पूरी होने का नाम ना ले रही हो, कई तरह के उपाय करके थक गए हो, हार गए हो, उम्मीद छोड़ दे, तो अवश्य इस उपाय को एक बार कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी पीले चंदन की, साथ में आपको जरूरत होगी 108 अक्षत के दाने की। इसके साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। केवल इन सामग्रियों से इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए पहुंच जाना है शिवालय। सबसे पहले आपके पास जो यह जल है, आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हुए आपने यह जल महादेव पर धीरे धीरे समर्पित करना है। याद रहे, आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना है। उसके बाद आपके पास जो यह पीला चंदन है, आपने इस पीले चंदन का महादेव पर अच्छी तरह से लेपन करना है। याद रहे, आपने अच्छी तरह से ही लेपन करना है। जितना हो सके आपने पीला चंदन महादेव पर लगा देना है और उसके बाद जो ये अक्षत के दाने लिए हैं आपने इस पीले चंदन के ऊपर ही चिपका देनी है। उसके बाद अपने अपने दाहिने हाथ से इस चावल के दानों के ऊपर ही दाहिना हाथ रखकर अपने जीवन की समस्या, नाम और गोते लेकर कह देनी है। याद रहे, जब तक आपने अपनी कामना महादेव से नहीं कह देनी है, तब तक आपने इस हाथ को नहीं उठाना है। केवल इतना मात्र करने से गुरु जी बताते हैं आपकी जो भी कामना होगी महादेव शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे।